चलो नवी ना प्राइस है अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। मैं हूँ एस नफीस और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एस नवर टीवी। तो दोस्तों आज हम लोग कश्मीर में आए हुए थे, तो ये यहाँ पे एक मिले हमें जो रूहान अब्दोश कहते हैं, तो मैंने कहा थोड़ा टाइम जो है वो इनके साथ स्पेंड किया जाए। तो अभी जो है आप लोगों को भी दिखाते हैं और खुद भी इनसे बात भी करेंगे और ज़रा बकरियों को भी जो है देखते हैं। तो आइए मेरे साथ। कितनी बकरियाँ हैं? वी पंजी बकरी हैं। अला अला आपने ये माशाल्लाह सारी आपने है जी। अच्छा ठीक है। मुंह तो डेढ़ जाम नहीं होना और परे लोगों ने इन्हें डाकी सकता। अच्छा अच्छा आपने ही रखी है खालिद सर। इन्हें तो कोई ईद पर बकरे बेची छोड़े। अच्छा अच्छा इस चीज़ ऊपर। हाँ बकरियां इतना खा दे इससे कोई नहीं रहा ना जी। बहुत है ना जी, बस है मजबूर किया। मजबूर यार कोई चीज नहीं। ये क्या रहा है? क्या चाहिए इससे? पर को रहा है कौन इसमें है? परे को अला अला पास ऑन द पोट है ना जी जी किस ना लगे। अच्छा अच्छा होते तो बर्फ शर्फ बिच क्या करनी सी ना? बर्फ शर्फ बिच क्या करनी सी ना? बस इसे चवाई आन दे ना अंदर पत्ते छत्ते लाने। हला हला हां री शेप। बर्फ नहीं पाउंदी ना जी? ना ना इन्हें साल नहीं पाउंदी। वो है जी बर्फ जेडी ते ओ साबी है। जी दोस्तों अभी हमने इनसे बात की है, तो ये कि ये अपनी ज़ुबान में इनसे बात हो रही थी, तो ये कह रहे थे कि जो बर्फ़ वगैरह पड़ती है तो घर में ही इनको चारा वगैरह डालते हैं। तो कह रहे थे जी कि अभी तो कम कर दिए बकरियां, पहले इनके पास ज़्यादा थी, अभी सिर्फ ये टोटल 25 बकरियां जो ये यहाँ पे लेके आए हैं। इसमें हर नस्ल की बकरी मौजूद है। ये दोस्तों पहाड़ी नस्ल की बकरी बोलते हैं इसको। ये जो बकरी है ये पहाड़ी नस्ल की बकरी होती है। ये बड़े बड़े सिंगों वाली आपने देखी होंगी इस तरह की। ना ये जो मोटा का आया इसी कला से है जड़ा है नीला का। हां ये जो मोटा का आया माल देने खाने माला से ना 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 माल ही समझ नहीं रहा। ए होनी ना साल में जमे पर ना सर। अच्छा तो ने भी कुछ आ गया ना। ए दो त्रै साल बाद हो जंगल हो ना जी। ये कम से ना ये कम से